नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। लावला रोजड़ी क्षेत्र के क्षतिग्रस्त डामर रोड की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बेमियादी धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आंदोलित ग्रामीणों ने रोजड़ी रोड रीको एरिया में शिव गौशाला के पास धरना शुरू किया गया है। धरना स्थल पर हुई सभा को व्यापार मंडल, ट्रक यूनियन, जीप कार यूनियन के पदाधिकारियों व ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया। सरपंच गंगा विशन पूनिया, जिला परिषद डायरेक्टर दलीप मेधवाल सहित ग्रामीण शामिल हुए। धरना स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं होता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह 21 किलोमीटर लंबी सड़क क्षतिग्रस्त रोजड़ी रोड दो जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कई सालों से इस क्षतिग्रस्त सड़क पर अब तो पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। इस बीच रावला तहसीलदार पृथ्वी सिंह मौर्य व पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता विजय कुमार के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन वार्ता के दौरान ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में वार्ता से इनकार कर दिया। वह साफ शब्दों में कहा कि पहले क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण चालू करें, नहीं तो हमारा धरना तब तक जारी रहेगा। सर, आज जो मांग थी सड़क निर्माण को लेकर, इसमें क्या क्या नतीजा निकला है? नतीजा ये निकला है कि ये लोग बात करें, जो धरने पर बैठे हैं ये करें, जब तक रोड नहीं बनेगी, स्टार्ट नहीं तब तक हम नहीं उठेंगे। ठीक है। रही बात ये जो चौड़ाई है इनकी, ये बताएं 5.75 3.75, तो जनता कहेगी 5.75 करो। ठीक है। आज सड़क रावला से रोजड़ी सड़क मार्ग है, इस नीचे का धलना है, उसको लेकर आप पहुंचे थे, क्या कहना चाहोगे, क्या बात रहा सिरे चली? सर, ये रोड बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, इसमें लोगों की डिमांड है कि रोड को नया बनाया जाए और इसको चौड़ीकरण भी इसका किया जाए। अभी लोगों से बात हुई है, उसकी वास्तुस्थिति जो जहाँ पर प्रपोजल के अंतर्गत भेजा हुआ है उसके बारे में बताया गया है, सेंक्शन आएगी तब काम करवा देंगे। क्या उम्मीद जताई जा रही है, कब तक सेंक्शन हो जाएगी? दिवाली से पहले सेंक्शन आने की पूरी उम्मीद है। धरनार्थी जो मांग कर रहे थे, आप वो संतुष्ट हैं क्या? अभी तो संतुष्ट नहीं है, वो अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा उसके बारे में। आज जो धरना लगाया था, किन किन मांगों को लेकर लगाया जा रहा है धरना आपके द्वारा? आज रोजरी से रावला रोड के हालात बहुत खस्ता है, इस वजह से प्रशासन को पहले ज्ञापन लगभग 5-7 बार ज्ञापन दे चुके हैं हम। ज्ञापनों के माध्यम से अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है और इस रोड के लिए हर अधिकारी हर लगभग 40 साल से इस रोड को लॉलीपॉप की तरह दे के घोड़ी चला जाता है, इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया आपको? प्रशासन लगभग 5-4 बार वार्ता होगी, इसमें यही कागज दिखा रहे हैं, कागजों से हम नहीं मानेंगे। पूरे कमेटी का, व्यापारी किसान मजदूर संघर्ष समिति पूरा, सभी का यही निर्णय है कि जब तक ये रोड स्टार्ट नहीं होगी तब तक हमें आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, चक्का जाम करना पड़े, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे।